एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शोभा माली और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप एलोवेरा जेल के साथ अपना कंप्लीट फेशियल कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। एक्चुअली कुछ दिन पहले मैंने एक फेशियल का वीडियो पोस्ट किया था जो कि फ्रेश एलोवेरा जेल के साथ है, तो वहाँ पे मुझे ऐसे बहुत कमेंट्स आए थे कि मैम यहाँ पे हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे एलोवेरा जेल फ्रेश एलोवेरा जेल मिलना थोड़ा मुश्किल है, मुझे नहीं मिल रहा है तो कहाँ से मिले इतना सब कुछ। तो मैंने सोचा क्यों ना एलोवेरा फ्रेश एलोवेरा के बाद अभी एक एलोवेरा जेल के साथ फेशियल का वीडियो किया जाए। तो इस वीडियो को फॉलो करके आप एलोवेरा जेल के साथ भी अपना कंप्लीट स्किन केयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो सबसे पहले मुझे चाहिए क्लींजिंग, तो क्लींजिंग के लिए यहाँ पे मैं एक एम्प्टी बोल लिया है और इस पे मैं ऐड करूंगी एलोवेरा जेल। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ऑफ एलोवेरा जेल लिया है और इसमें मैं ऐड करूंगी जस्ट 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा कम लेमन जूस। ऑयली नॉर्मल और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए ये रेमेडी है, लेकिन अगर आपको सेंसिटिव या एक्सट्रीम ड्राई स्किन है तो यहाँ पे लेमन जूस की जगह पे आपको यूज करना है टमाटो पल्प। अब इस मिक्सचर को हाथ में लेके अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए जस्ट 2 मिनट के लिए। इससे आपके स्किन पे जो भी इम्प्योरिटीज है वो निकल जाएगा और स्किन से जो मिनिमम ऑयल सेक्रेशन होता है, जो ग्रीसीनेस आ जाता है उसकी वजह से स्किन पे, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। और फिर एक गीले नैपकिन से अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। फेस स्क्रब बनाने के लिए यहाँ पे मैं लूंगी 1 टेबलस्पून ऑफ एलोवेरा जेल और इसके साथ मैं ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून ऑफ सेमोलिना और सूजी। अब इसको मिक्स करना है, पर इसे मिक्स करने के बाद ज्यादा देर तक ना रखें तो ये जो सेमोलिना है ये फूल जाएगा और स्क्रबिंग का काम नहीं होगा। तो इसको बनाने के तुरंत बाद ही इससे स्क्रब करना शुरू कर दें। इसको 2 मिनट के लिए स्क्रब करना है अपने फेस पे और फिर एक गीले नैपकिन से या फ्रेश वाटर से भी आप अपने स्किन को क्लीन कर सकते हैं। ये स्किन को पोर्स के अंदर से क्लीन करेगा और स्किन पे अगर व्हाइट हेयर्स और ब्लैक हेयर्स है तो उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। फेस मसाज क्रीम बनाने के लिए मुझे यहाँ पे चाहिए एलोवेरा जेल। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून ऑफ एलोवेरा जेल और इसके साथ मैं ऐड करूंगी खादी का स्वीट अमंड ऑयल। पर्सनली ये जो अमंड ऑयल है, ये ब्रांड है, ये मुझे बहुत पसंद है तो मैं हमेशा इसे यूज करने की कोशिश करती हूँ। इसे मैं लूंगी 1/2 टीस्पून। और अभी इससे अपने फेस को मसाज करना है 10 से 15 मिनट के लिए बहुत ही जेंटली और उसके बाद एक गीली नैपकिन से अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। ये आपके स्किन टिश्यूज को टाइट रखने में हेल्प करेगा, स्किन टेक्सचर को मेंटेन करेगा और स्किन को डीप क्लीन करने में हेल्प करेगा। और एलोवेरा फेस मास्क बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूंगी 1 टीस्पून ऑफ एलोवेरा जेल, उसके साथ मैं लूंगी व्हाइट सैंडलवुड पाउडर यानी कि सफेद चंदन के पाउडर और फिर मुझे लेना है थोड़ा सा रोज वाटर। ये रोज वाटर आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जितना कि एक थिक पैक बनाने के लिए चाहिए उतना ही आप मिक्स कर लीजिए। अगर आपकी स्किन एक्सट्रीम ड्राई और सेंसिटिव है तो इस मिक्सचर में आप थोड़ा सा हनी ऐड कर सकते हैं। ये मास्क स्किन कॉम्प्लेक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, सांटैन और दाग धब्बे जो भी स्किन पे होते हैं उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा और लूज स्किन सेल्स को टाइट रखने में हेल्प करेगा। और जब ये मास्क अच्छी तरह से सूख जाए तब इसे प्लेन वाटर से क्लीन कर लीजिए और फिर थोड़ा सा एलोवेरा जेल अपने हाथ में लेके इसको एज अ मॉइस्चराइजर आप अपने स्किन पे अप्लाई कर लीजिए। ये बहुत जल्दी आपके स्किन के साथ एब्जॉर्ब हो जाएगा और बिल्कुल भी स्टिकीनेस फील नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और आगे से और भी अच्छे अच्छे ब्यूटी टिप्स के वीडियो के लिए प्लीज फॉलो करते रहिए मेरे इस चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।